अगर देखा जाए तो कांग्रेस अंतरकलह से भी जूझ रही है। बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इस नाम के ऐलान के साथ ही यहां अंतरकलह की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन आज भी जारी है, कल से वो अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस भवन के सामने आमरण अनशन जगदीश कौशिक कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कौशिक से कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मुलाकात भी की है, लेकिन उन्हें मनाने की जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम यहां पर रही। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी जब बनाया गया उसका विरोध वो कर रहे हैं, और ना सिर्फ विरोध बल्कि खुद को प्रत्याशी, खुद को उम्मीदवार बनाने की बात उन्होंने कही। अनशन की आमरण अनशन को तब तक वो जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता, ये भी कहना है जगदीश कौशिक का। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कल रात को भी हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरह से अकेले ही आमरण अनशन यहाँ पर जगदीश कौशिक का कर रहे हैं। लेकिन हितेश जी, ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरफ तो दिखा रही है कि वो आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उनके साथ उस अनशन में शामिल नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस भवन में भी ताला बंद कर पदाधिकारी जो है वो वहां से चले गए थे। तो ये भी कई बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम चुके वो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, अपनी बात को लेकर यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता उनके साथ खड़ा है ऐसा नजर नहीं आ रहा। अटल श्रीवास्तव विधायक कोटा से जरूर मिलने जरूर गए उनसे, लेकिन वो भी सिर्फ समझाने के मकसद से गए थे, और समझाने के बाद जब नाकाम हुए तो वो भी वापस लौट गए, और इसी तरह से अकेले अनशन पर जमे हुए हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर हर उस सीट से जहां पर विरोध हो रहा है, चाहे हम राजनांदगांव की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, जिसने भी विरोध किया है अमूमन अकेले ही लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। और निष्कासन की कार्रवाई भी राजनांदगांव में तो निष्कासन की कार्रवाई भी की गई थी। जितेंद्र दवाइत इस वक्त हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़ के उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, वर्तमान में क्या स्थिति है, चूंकि अकेले अनशन पर लगातार बने हुए थे और 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, और जब उन्होंने विरोध किया था कि बाहरी प्रत्याशी हैं, स्थानीय व्यक्ति को यहां से मैदान में उतारा जाना चाहिए, खुद की दावेदारी भी कर रहे हैं, इस बीच क्या कोई उनसे मिलने के लिए पहुंचा, और अभी उनकी तबीयत कैसी है? जितेंद्र बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कांग्रेस अपने अंतरकलह से, कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रही है, और बिलासपुर से भी वही तस्वीर सामने आई। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस भवन में। देखिए, जगदीश कौशिक जो कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो बीते 24 घंटे से आमरण अनशन पर हैं। अभी भी वो यहाँ पर, उनका आमरण अनशन जारी है, पूरी रात वो यहीं पर कांग्रेस भवन के बाहर अनशन पर बैठे रहे हैं। ये जरूर है कि लगातार वो अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं, पदाधिकारियों को बता रहे हैं, लेकिन अब तक उनको पार्टी से कोई निर्देश नहीं मिला है। पदाधिकारी लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रत्याशी नहीं बदलता है तब तक वो आमरण अनशन करते रहेंगे। और देखिए किस तरह से इन्होंने पोस्टर चस्पा किया है। कल सुबह ये आमरण अनशन उन्होंने ठीक 10 बजे शुरू किया था, और अभी ठीक 10 बज गए हैं, मतलब 24 घंटे पूरे हो गए हैं, और इनकी साफ तौर पर जो मांगे हैं, देखिए किस तरह से उन्होंने पोस्टर में चस्पा किया है और सवाल उठाया है कि आखिर मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कुछ कमी रह गई, न्याय चाहिए, और न्याय का हक मिलने तक वो अनशन अपना जारी रखेंगे। ये जरूर है कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक यहाँ उनको मनाने पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जगदीश जी, अब तो 24 घंटा का समय हो गया है, अभी भी क्या आपकी मांगे वही हैं? मुझे भरोसा है न्याय मिलेगा, बस मैं यही कहूंगा। क्या आखिर क्या चाहते, क्या है, क्या प्रत्याशी यहाँ पर बदलना चाहते हैं, आप टिकट की मांग कर रहे हैं? मैंने सारा विषय वस्तु यहाँ पे चस्पा कर दिया है, उसके आगे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे अपने पार्टी के आला नेताओं पर, हाईकमान पर भरोसा है, वो न्याय देंगे। अच्छा, कब से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और कब से सक्रिय तौर पर भूमिका में रहे हैं, और टिकट की मांग आप कब से कर रहे थे? जगदीश जी, मैं आगे बहुत सारे विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये न्याय का विषय है और मुझे भरोसा है पार्टी हाईकमान मुझे न्याय देगी। अच्छा, पार्टी पदाधिकारी कोई आपसे मिलने पहुंचे, कोई बातचीत हुई अभी तक? जगदीश जी, कोई पार्टी पदाधिकारी मिलने पहुंचे हैं आपसे, कोई बातचीत हुई अभी तक? तो देखिए जगदीश जी का, हालांकि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर महिला कांग्रेस की ग्रामीण अध्यक्ष है सीमा धीतेश जी, वो भी पहुंची हैं उनको मनाने के लिए, क्योंकि लगातार मान मनोबल का जो दौर है वो जारी है। सीमा जी, आप भी पहुंची हैं क्योंकि कल से बैठी हुई हैं, 24 घंटे हो गए जगदीश जी को बैठे हुए। पार्टी नेताओं से, आला नेताओं से आप लोगों की कोई बात हुई, उनको मना रहे हैं आप लोग, क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, जब से बैठे हैं तब से हमारे पार्टी के
विधायक हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष सभी आके मना लिए हैं। आज मैं भी आई हूँ समझाने कि भैया अपना हम लोग कांग्रेस पार्टी एक परिवार हैं, जो हाईकमान ने फैसला किया है उसको हम सबको समर्थन करना है। सब मिलजुल कर अपने जो भी उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस पार्टी उसका हम लोग सब समर्थन करेंगे। साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्या बात हुई कि कार्यकर्ता नाराज हैं, जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है वो धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन उन्होंने कर दिया है? नहीं, इसका तो जिला कांग्रेस कमेटी ने सब पहुँचा दिए हैं हाईकमान तक। अब देखिए आज आ रहे हैं देवेंद्र यादव जी, अब क्या। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि जगदीश कौशिक जी आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अकेले बैठे हुए हैं, कल रात को कांग्रेस भवन में ताला लगा दिया गया, सब छोड़कर चले गए उनको, ऐसे में किस तरह से देखते हैं चुनाव का समय है, पार्टी में बिखराव की स्थिति दिखती है? नहीं, ऐसे तो बिखराव का स्थिति नहीं है, सभी लोग आए हैं, सभी लोग अपना समझ के मना रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी अपना एक परिवार। जितेंद्र, इनसे ये पूछेगा कि आज किसी ने बताया कि देवेंद्र यादव पहुंच रहे हैं आज बिलासपुर, क्या वो इनसे मिलने के लिए आएंगे या पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनसे अपील करेंगे कि आए इनसे मिलकर बात करें कम से कम, क्या इस बारे में कोई जानकारी? तो चूंकि आज प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो बिलासपुर आ रहे हैं, ऐसे में क्या देवेंद्र यादव भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, मनाएंगे, बातचीत रखेंगे? हाँ आएंगे, कांग्रेस भवन में आएंगे, मिलेंगे, समझाएंगे, अपने ही सदस्य है, अपने भाई है। लेकिन सवाल वही उठता है ना कि आपके अपने सदस्य हैं, उसकी नाराजगी है, 24 घंटे हो गए वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, कोई पार्टी का आला नेता उनको मना नहीं पा रहा है, उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब सब आया के अपना मना रहे हैं और हाईकमान तक इसका बात पहुंचा दिए हैं, अब जो भी दिशा निर्देश होगा हाईकमान ऐसा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हाईकमान तक तमाम जो बातें हैं वो पहुंचा दी गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि पार्टी प्रदेश कांग्रेस से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है, ये जरूर है कि मान मनोबल का क्रम जारी है। कल कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी इनको यहाँ पर मनाने पहुँचे थे, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी स्थानीय हैं वो लगातार मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जगदीश कौशिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो कांग्रेस आला कमान से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिर उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, क्यों बाहर से प्रत्याशी यहाँ पर लाया गया है, और जब तक इन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिलता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और न्याय मिलने तक वो अपने धरना आंदोलन को अनशन को जारी रखेंगे। जैसे कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, कांग्रेस की चुनौतियां दरअसल इसके जरिए लगातार बढ़ती जा रही है, एक तो ये कि प्रत्याशी चुनने में भी काफी देरी हुई और जब प्रत्याशी का चयन हुआ तो जगह जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं और पार्टी इसे कैसे मैनेज करेगी ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका जितेंद्र।